गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रेम शंकर सीआरसीसी परमालपुर आपका इंग्लिश कक्षा में स्वागत करता हूँ। आज आठवीं क्लास का सेकंड चैप्टर हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था, स्लीप, और उसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग डज एन एवरेज एडल्ट स्लीप, यानी एक एडल्ट स्लीप यानी एक वयस्क व्यक्ति कितने देर सोता है, तो एक औसतन कितने देर सोता है। आंसर होगा एन एवरेज एडल्ट स्लीप फॉर 7 hours and 20 minutes, यानी एक औसत मनुष्य की औसतन नींद 7 hours and 20 minutes होती है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स। स्लीप प्रॉब्लम्स के बारे में बच्चों हम लोगों ने चर्चा की थी पाठ के दौरान। क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हैं स्लीप प्रॉब्लम्स, कैसे मतलब क्यों नींद नहीं आती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ स्लीप प्रॉब्लम, जो मोस्ट कॉमनली जो प्रॉब्लम्स हैं यानी अक्सर लोगों में ये देखा जाता है कि क्यों नहीं नींद आती है, वरी एंड डिप्रेशन के कारण यानी चिंता के कारण, और डिप्रेशन में वो चले जाते हैं जिसके कारण उनको नींद नहीं आती। नॉइज, लाइट, हीट, कोल्ड, न्यू सराउंडिंग्स एंड पेन इन इलनेस ऑल्सो कॉज स्लीप प्रॉब्लम्स। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिससे नींद नहीं आती। नॉइज़ यानी शोर, लाइट यानी रोशनी, कई लोगों को अंधेरे में सोने की आदत होती है, अधिक रोशनी में सो नहीं पाते। हीट यानी गर्मी, उसी तरीके से इसका अपोजिट कोल्ड यानी बहुत ठंडी में भी नींद नहीं आती। ठंड के मौसम में जब पर्याप्त आपको उड़ने को ना मिले, बिछाने को ना मिले, तो नींद नहीं आती, ठंडी लगती है। तो न्यू सराउंडिंग्स यानी कहीं हम दूसरी जगह चले गए, हमें नया वातावरण मिला, जिस माहौल में हम सोने के आदि हैं वो नहीं मिल पाया, एक नया वातावरण मिला, तो भी हमें नींद नहीं आती। या फिर हम इल हैं या मतलब बीमार हैं और उसमें हमें हम दर्द से कराह रहे हैं तो भी हमें नींद नहीं आती, पेन इन इलनेस। मोर ओवर इसके अलावा और कौन से कॉजेस हैं जो कि हमें नींद ना आने का हमारा कारण है। मोर ओवर फियर यानी डर के कारण भी हमें नींद नहीं आती है। एंड एपिटाइट का मतलब होता है भूख, यानी जब हमें भूख लगी हो तो अगर और हम खाना ना खाए हों तो इसके कारण भी हमें नींद नहीं आती है। एपिटाइट ऑल्सो कॉज स्लीप प्रॉब्लम्स, ये भी स्लीप प्रॉब्लम्स के कॉजेस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर नॉट फेवर स्लीपिंग पिल्स। ऑथर इसका लेखक क्यों फेवर में नहीं है स्लीपिंग पिल्स लेने के, यानी स्लीपिंग पिल्स हमें क्यों नहीं लेना चाहिए, नींद की दवाई जो है वो क्यों नहीं लेनी चाहिए। द ऑथर डज नॉट फेवर स्लीपिंग पिल्स बिकॉज इट डज नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपनेस, यानी यह नींद न आने की बीमारी को यह दूर नहीं करता। इट इज बेटर टू अवॉइड देम इफ ही कैन, अगर कोई इसको अवॉइड कर सके, नजरअंदाज कर सके, नहीं लेने की आदत डाले तो ये ज्यादा अच्छा है। इट इज मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट, ये अच्छा है कि हम समस्या का पता लगाएं कि किस कारण से हमें नींद नहीं आती और उसे दूर करने का प्रयास करें तो ज्यादा बेटर होगा। What are the consequences of regular missing sleeping for long periods of time? यानी कौन से ऐसे consequences हैं of regular missing sleep for long period of time? यानी बहुत लंबे समय तक आपने नींद नहीं लिया है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? If anyone regularly missing sleep for long period of time, he soon begin to behave strangely. यानी वह बहुत ही जल्द, अगर बहुत लंबे समय तक उसने नींद नहीं लिया है किसी ने, तो वह बहुत ही जल्द बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव करने लगेगा, यानी विचित्र व्यवहार करने लगेगा। ही लॉस्ट द एबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड हिज जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड, वह निर्णय लेने की क्षमता खो बैठेगा और वह कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा और उसके जो जितने भी निर्णय हैं वो इम्पेयर्ड हो जाएंगे, यानी जो सिचुएशन है उससे मेल नहीं खाएंगे, तो यानी सिचुएशन के अनुसार वो सही निर्णय नहीं ले पाएगा। ही बिगेन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स, वह बड़े ही अजीब
थिंग्स यानी वस्तुओं को इमेजिन करने लगेगा, वो सोचने लगेगा, उसको कोई लकड़ी है तो शायद उसको सांप समझ में आने लगे, तो इस तरीके का वो सोचने लगेगा। एंड हिज बिहेवियर बिकम्स डिरेंज्ड, और उसका जो बिहेवियर है, उसका जो व्यवहार है, वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। डिरेंज्ड यानी अनियंत्रित हो जाएगा, बड़ा अजीब सा हो जाएगा। तो बच्चों ये हमने देखा स्लीप लेसन के क्वेश्चन आंसर्स थे, इसको हमने समझा। इसको मैं पीडीएफ में भी आपको भेज दूंगा ग्रुप में, आप इसको नोट कर लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और अगर कोई समस्या आती है तो फिर हम व्हाट्सएप के माध्यम से चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।